हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं त्रिगुप्ता हाईलाइट न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूँ। ग्रुप ऑफ सेवन, जिसको G7 कहते हैं, G7 में इतिहास में पहली बार ऐसी बैठक हो रही है जहां पर रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं। सभी रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं, इतिहास में ऐसी पहली घटना होने वाली है। और आज हम इस टॉपिक पर जो बात करेंगे, सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है, मध्य पूर्व के हालातों पर चर्चा करेंगे, हिंद प्रशांत एजेंडे की बात करेंगे, G7 क्या होता है, क्या करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिटेल से एक एक करके हम चीजों पर और भी सारी बात करेंगे। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप उसको डिस्क्रिप्शन की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। तो आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटित हो रही है जहां पर G7 के रक्षा मंत्री बैठक में मुलाकात करेंगे, सभी एजेंडा पर चर्चा करेंगे। चर्चा में है कि ग्रुप ऑफ सेवन, जिसको G7 कहते हैं, इतिहास में पहली बार रक्षा मंत्रियों की बैठक शनिवार को इटली में आयोजित या शुरू होने वाली है। मीटिंग की जो मेजबानी कौन करेगा, तो इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रेसेटो हैं, इनके द्वारा, जो इटली के रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा मीटिंग की मेजबानी की जाएगी। बैठक में प्रमुख एजेंडे के रूप में वैश्विक संघर्षों के बारे में और उनकी अस्थिरता के बारे में चर्चा मुख्य तौर पर शामिल है, और यहाँ पर चर्चा होगी ही होगी। साथ में बैठक में जो है अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी भाग ले रहे हैं, और इसका एक सत्र रूस यूक्रेन युद्ध को समर्पित होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, रूस और यूक्रेन को समर्पित है एक इसका पूरा सत्र, ध्यान रखिएगा। रक्षा को समर्पित एक सत्र भी निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य है एक प्रभावी परामर्श मंच के रूप में G7 की भूमिका को बढ़ावा देना और राजनीतिक आर्थिक विषयों पर साझा दृष्टिकोण पहचान करना। मतलब साझा मतलब एक तरीके से आप कहते हो सामूहिक दृष्टिकोण को विकसित करना, यहाँ पर पहचान देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यहाँ पर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में प्रमुख तौर पर बात की जाएगी। अब हम समझते हैं मध्य पूर्व के हालातों पर चर्चा। मध्य पूर्व के हालात क्या हैं जो इतना खबर चर्चा में है, तो इटालियन G7 प्रेसिडेंसी ने एक बयान में कहा है कि मध्य पूर्व के चिंताजनक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में ही की जाएगी, राजनीतिक और आर्थिक बारों में ही की जाएगी, जो मध्य पूर्व की चिंताजनक हालात है यहाँ पर भी बात की जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा गाजा में युद्ध विराम और दो राज्य समाधान की ओर ले जाने वाली एक राजनीतिक जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको लेकर हमारी साझा प्रतिबद्धता के तहत इसकी बात सामने आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो गाजा में भी युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, हालांकि अभी तो विराम हो चुका है, लेकिन गाजा के युद्ध क्यों हो रहा है बार बार, इसके बारे में भी यहाँ पर एक सत्र किया जाएगा। इसके अलावा जो अस्थिरता बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए एक संभावित कार्रवाई की पहचान की जाएगी, और पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो मध्य पूर्व के जो हालात है, मध्य पूर्व में जैसे सीरिया आता है, इराक आता है, ईरान आता है, जॉर्डन आता है, इजराइल आता है, ये सब जो देश आते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है, तो इनके हालातों पर चर्चा होती जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, हिंद प्रशांत भी एजेंडे में है। अब जो अगर हिंद प्रशांत एजेंडे में है, तो यहाँ पर भारत की भूमिका प्रमुख तौर पर आपको देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र की गतिशीलता पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ बाकी मध्य पूर्व की जाएगी, रूस यूक्रेन पे की जाएगी, हिंद प्रशांत के क्षेत्र पर भी आप यहाँ पर हिंद प्रशांत का देख सकिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की तरफ से भी शामिल होंगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट। और ये राजनीतिक, वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संतुलन के लिए तेजी से निर्णायक भूमिका भी निभा रहा है। ग्रुप सेवन, जिसको G7 कहते हैं, एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। ध्यान रखिएगा, एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ सेवन। यहाँ पर अगर हम सात देशों की बात करें, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम मतलब की ब्रिटेन, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो सातों की सात कंट्री है ग्रुप सेवन के सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ, जिसको EU कहते हैं, एक गैर गणना सदस्य है, ध्यान रखिएगा, एक गैर गणना सदस्य है जिसको यूरोपीय संघ कहते हैं। ग्रुप के प्रत्येक सदस्य की सरकार या राज्य प्रमुख, यूरोपीय संघ के आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष सालाना G7 के शिखर सम्मेलन में मुलाकात करते हैं, तो ये मुलाकात भी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुलाकात नहीं करते, ग्रुप सेवन के या ग्रुप के प्रत्येक सदस्य की सरकार हो या फिर राज्य के प्रमुख होते हैं वो, यूरोपीय संघ EU के जो अध्यक्ष होते हैं वो, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष सालाना G7 की मुलाकात में जरूर मुलाकात करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है अटेंड ना करता हो, सभी अटेंड करते हैं।
G7 यूरोपीय संघ के अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारियों की मुलाकात का एक सिलसिला साल भर चलता रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि साल में सिर्फ एक बार, एक कई बार साल में ये लोग मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इस बार रक्षा मंत्री भी मिल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। G7 क्या है? अगर G7 की बात करें तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। मतलब कि दुनिया में जो इकोनॉमी के मामले में जो सबसे टॉप पर हैं, या कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा विकसित डेवलप देश हैं, वो उनका एक समूह है G7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। ये आप अगर देखोगे, एक नजर करोगे तो सभी देश ये विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। इसे ही हम ग्रुप ऑफ 7 या G7 कहते हैं। समूह को खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यू यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय माना जाता है, और स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन और समृद्धि, सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है, एक तरीके से देखोगे एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सारे सिद्धांत मायने रखते हैं। स्वतंत्रता भारत में भी है, मान्यता प्राप्त है, मानवाधिकार भी, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी तो भारत से बड़ी किसी कहीं पे है ही नहीं, कानून का शासन भी है, समृद्धि भी है और सतत विकास वो है ही है, और इसके प्रमुख जितने भी सिद्धांत है वो G7 के लोगों पर लागू होते हैं। क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, क्या करता है? तो शुरुआत में 6 देशों का यह समूह हुआ करता था। कितने देशों का? 6 देशों का, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी, और इस बैठक में ही, पहली बैठक जो हुई थी 6 देशों के द्वारा, इसकी पहली बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। इसके दूसरे साल ही मतलब कि 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हो गया। मतलब कि पहले इसमें कनाडा शामिल नहीं था, उसके बाद कनाडा इसमें शामिल हो गया, उसके बाद इसको G7 बन गया, और तब से यह G7 बना हुआ है। G7 के देशों के जो मंत्री होते हैं या और नौकरशाह होते हैं, आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करते रहते हैं, और हर साल ये लोग मिलते हैं। इकोनॉमी कैसे चल रही है, इकोनॉमी में क्या करना चाहिए, इकोनॉमी में कितना सुधार कर, अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत करते, क्योंकि ये सबसे विकसित देश है तो ये अर्थव्यवस्था के बारे में ज्यादातर बातचीत करते ही करते हैं। प्रत्येक सदस्य जो देश हैं, बारी बारी से समूह की अध्यक्षता करते हैं, मतलब कि रोटेशन के आधार पर। कैसे? रोटेशन के आधार पर ये लोग अध्यक्षता करते हैं, और 2 दिनों तक वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। यहाँ पर प्रमुख तौर पर जो इस शिखर सम्मेलन चर्चाएं हैं वो ऊर्जा की नीति पर हैं, जलवायु परिवर्तन पर है, HIV/AIDS पर है, वैश्विक सुरक्षा जैसे प्रमुख जो मुद्दे हैं इन शिखर सम्मेलनों में चर्चा की जाती है। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना भी जारी की जाती है, जिसको नोटिफिकेशन कह सकते हो, नोटिफिकेशन जारी की जाती है जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र किया जाता है। क्योंकि अब बात जब बात होगी, मीटिंग होगी तो बहुत सारे पॉइंटों पर बात होगी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर सहमति बन जाती है, तो उन बिंदुओं को या पॉइंटों को जो क्या होता है वो सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष इस बार जया क्लार्ड एंकर हैं, जो कि स्वास्थ्य कारणों से इस बार सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। वहीं यूरोपियन काउंसिलिंग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डोनाल्ड टस्क हैं, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्या भारत भी इसमें शामिल होता है या भारत को इस बार आमंत्रित किया गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी बताइएगा। इस साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है प्रमुख तौर पर। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इस साल सम्मेलन में शामिल या क्या हो आमंत्रित किया गया है प्रमुख तौर पर। इस बार शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय जो रहने वाला है, असमानता के खिलाफ लड़ाई। तो ये थीम इंपोर्टेंट रहती है, किसी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट थीमें आती हैं कि थीम क्या है, तो असमानता के खिलाफ लड़ाई इस विषय की थीम है। हर साल शिखर सम्मेलन के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, और पर्यावरण कार्यकर्ताओं से लेकर पूंजीवादी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन है इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। प्रदर्शनकारियों को आयोजन स्थल से दूर रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ 7 है, विकसित देशों का है, तो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं होते, भरपूर विरोध प्रदर्शन होते हैं, आवाज भी उठाई जाती है, लेकिन सुरक्षा प्रदान की जाती है, सुरक्षा के तहत तैनाती की जाती है, और प्रदर्शनकारी होते हैं उनको रोका भी जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इस बार अगर आ जाए कि थीम क्या है, असमानता के खिलाफ लड़ाई है, भारत के प्रधानमंत्री G7 में शामिल हुए, बिल्कुल शामिल हुए हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना भी था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। G7 के जो सदस्य देश हैं
उनको जरूर आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सातों के सातों देश ध्यान रखना है। अगर कभी एग्जाम में आए कि भैया सबसे अंतिम में G7 में कौन शामिल हुआ, कनाडा सबसे अंतिम में शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने ये G7 पर बात की है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो रही है? नेपल्स, इटली में हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।